जरा सामने आ जा। काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मेरी फिल्म का प्रीमियर हो रहा है तसल्ली से एंड ऑफ कोर्स ग्रे। बोथ हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय युवा जो कि मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बनाया है एंड बड़े प्यार से दोनों फिल्में बनी हैं। जो मुझे पता है, मैंने अपनी देखी है तसल्ली से और मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड चाहूँगा कि आज फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं वो सब देखें और उन्हें कैसी लगी वो पता लगेगा। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। मुझे बड़ा अच्छा लगा इस फिल्म में काम करने में। आई थॉट जो ये स्क्रिप्ट जब मैंने पहली बार पढ़ी, निखिल तरेजा ने मुझे भेजी थी युवा से। निखिल मेरे बहुत पुराने दोस्त रह चुके हैं, सजल कुमार ने लिखी है और मुझे ये स्क्रिप्ट पढ़ के ही मुझे लगा इस पिक्चर का भाग बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। आई थिंक बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है आजकल के दौर में, जहाँ हम लोग एक दूसरे से इतनी आसानी से मन मुटाव कर लेते हैं। अगर आजकल आपकी आइडियोलॉजीज़ मीट नहीं होती या आपका वर्ल्ड व्यू अलग है तो कितना आसान होता है एक दूसरे से लड़ लेना या बातचीत नहीं करना। पर उसके उसके बाद अगर दो दोस्तों की कहानी है, 12 साल बाद उनमें से एक मिलने आता है और आई थिंक बहुत कम ये शायद फिल्मों में दिखाया गया है जहाँ दो मेल फ्रेंड्स एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और पूरी फिल्म बातचीत के बारे में, क्योंकि हम मर्द जो होते हैं ना वो एक दूसरे से शेयर नहीं करते, बातचीत नहीं करते, दारू पे मिल लेते हैं, हंस लेते हैं पर दिल की बातें नहीं करते। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, रेलिवेंट और सेंसिटिव टॉपिक और मैं बड़ा ही खुश हूँ इससे जुड़कर। जी बम्बई है, ये हमारा शहर है और मुझे बड़ा मज़ा आया नवीन के साथ काम करके। नवीन मेरा फिर से काफ़ी सालों से जानता हूँ, उन्हें कभी काम करने का अवसर मिला नहीं था इससे पहले। तो आई थिंक एक इंटरेस्टिंग कहानी है इस पिक्चर के पीछे। हमने शूटिंग तो 3 दिन की पर 4-5 रातें हम लोग मिले, हम सब डायरेक्टर राइटर निखिल नवीन मैं, और आई थिंक उस दौरान जो एक दूसरे से बातचीत हुई दुनिया के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, एम्बिशंस के बारे में, अपने काम के बारे में, आई थिंक वो सबसे मेरा वो यादगार हमेशा रहेगा मुझे इस फिल्म से। और ऑफ कोर्स उम्मीद है कि फिल्म भी लोगों को यादगार रहेगी और लोगों को पसंद आएगी। बहुत ज़रूरी है आई थिंक एंड मतलब आई थिंक फिल्में और टेलीविज़न भी अगर कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग ना हो और एक स्ट्रॉन्ग एनसेंबल ना हो तो आई डोंट थिंक फिल्में बन सकती या टेलीविज़न शोज़ बन सकते हैं। बट आई थिंक जो डिजिटल का माध्यम है या दुनिया है उसने बाकी सब कलाकारों को भी उतना ही श्रेय मिलना शुरू हो गया है, जो कि बहुत अच्छा है। क्योंकि जब सबका काम सामने आएगा और अच्छा काम होगा तो सबको प्रेरणा मिलेगी और आई थिंक दर्शकों को अच्छा काम देखने मिलेगा। तो आई थिंक इट्स गुड, विन विन फॉर ऑल। यार मैंने जब ये पिक्चर की स्क्रिप्ट पढ़ी थी मुझे ना ये काफ़ी सॉर्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल लगी थी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ओपन हूँ और बातचीत करता हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट जो डीपेस्ट फीलिंग्स है कभी अपने मेल फ्रेंड से मैंने शेयर की नहीं है। मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल होता है, चाहे इसे आप कंडीशनिंग कह लीजिए या सालों से आप अपने पिताजी को देखते आए हैं, वो अपने पिताजी को देखते आए हैं, तो आप आई थिंक लड़का अपनी माँ से हमेशा क्लोज होता है, नज़दीकी होती है, उनसे शेयर कर सकता है, पर पिताजी से बात करने में झिझक महसूस होती है। और वैसे ही आई थिंक मेल फ्रेंडशिप का भी वही है आई थिंक। तो पर कहीं ना कहीं आई थिंक ये उसी इट्स अ ग्रेट डायलॉग टू स्टार्ट दैट वी ऑल मस्ट शेयर, वी ऑल मस्ट बी मोर ओपन एंड आई थिंक ये इतने सही वक्त पर आ रही है, स्पेशली 2 साल जब पैंडमिक का गुजरा है, जब हम सब सिर्फ घर पर बैठे एक दूसरे से बातचीत कर सकते थे और बहुत तसल्ली थी। तो आई थिंक जब ये खुल गया है अभी माहौल और लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तसल्ली भूले ना और ज़िंदगी का मज़ा असल में वही है। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। पूरी पिक्चर बना दो यार।
friend. I'm so happy to see you. इतना time हो गया है यार, है ना? दो ढाई साल हो गए. मैं तो हर चीज़ के लिए excited रहती हूँ, ये तो आप जानती हैं. But आज actually मुझे खुशी इस बात की है कि मैं निखिल तनेजा से सबसे पहली बार मिलने वाली हूँ. I've been an admirer of his work. I've been an admirer of his thought, of his voice, which is so unique. And ऐसा लगता है आज सोशल मीडिया के थ्रू आप एक दूसरे को जानते हो. तो जब आप एक दूसरे की सोच से प्रभावित होते हो या यू नो आपको कुछ और सीखने का मौका मिलता है, आप उनके फ़ैन बनते हो. तो फॉर मी आई एम एक्चुअली हियर इन द कैपेसिटी ऑफ मीटिंग निखिल एज अ प्रोड्यूसर, एज अ स्टोरी टेलर, एंड आई डोंट मीट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम. मैंने तसल्ली का ट्रेलर नहीं देखा है, मगर मैंने ट्रेलर देखा है फॉग रे. एंड आज कंसेंट की इतनी बातें हो रही है, सो आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट दैट फिल्म्स लाइक दीज आर मेड. एंड ऐसे ऐसे निखिल हैज़ अ वेरी यूनिक वॉइस एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू हियर व्हाट ही हैज़ टू से. आप ड्यूरेशन ही देख लीजिए ना, जब ड्यूरेशन ज़्यादा होती है तो आपके पास उतना वक्त होता है टू टेल एंड स्पीक मोर कैरेक्टर्स एंड टेल देयर स्टोरीज. सो आई थिंक इन दैट सेंस हम सब एक्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा समय है. सो आई रियली लाइक इट. थैंक यू. अमेजॉन प्राइम का एक शो है लखोट, जिसके लिए मैं शूट कर रही हूँ, एंड अमेजॉन प्राइम डे पे अनाउंस किया गया, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. अमेजॉन मिनी पे एक शो है मर्डर इन अगोंडा, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. इट्स अ हैप्पी डे. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. अरे ये तो मिल सकती है, इसमें ये ब्रीद थोड़ी है. गुड थैंक यू. कितनी काफ़ी तसल्ली से शूट किया हमने. दो दिन का शेड्यूल था, तीन दिन में किया, तो ज़्यादा ही तसल्ली होगी. और हाँ यार, बड़ा मज़ा आया एक्चुअली. लोग बड़े प्यारे से हैं, पता नहीं अगर आप प्रोड्यूसर से मिले हैं हमारे निखिल तनेजा, वो तो चेहरे से भगवान राम लगते हैं मुझे. वो इतने सीधे सरल से हैं. हमारे डायरेक्टर, आई डोंट नो इफ हीज़ हियर, हिज नेम इज़ तरुण डुडेजा, ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल स्वीट गाय, एंड सो इज़ नकुल. सो द एंटायर टीम इज़ फुल ऑफ यू नो वेरी नाइस स्वीट काइंड पीपल. और मैं ये कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब वो आप भी अगर मिलोगे आपको वाइब आ जाएगा. तो आई थिंक आई चोज इट बिकॉज ऑफ द पीपल. और फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो वो भी मुझे बड़ा स्वीट सा लगा. यू विल ऑल्सो गेट टू वॉच इट, आई मीन आई डोंट नो इफ यू गाइस आर गोइंग टू वॉच इट. सो मज़ा आया. हाँ, कहानी ऐसी है कि हम लोग काफ़ी अरसे से मिले नहीं हैं और एक दूसरे से गुस्सा हैं. स्कूल कॉलेज में बड़े ख़ास दोस्त थे, और फिर किसी बात पे हमारी कोई बहस वहस हो गई और फिर हम बस अलग ही हो गए. और फिर बहुत साल बाद जो नकुल का किरदार है वो इनिशिएटिव लेता है और हम मिलते हैं, और बस एक दिन की स्टोरी है. मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और फिर देखिए क्या होता है. कहानी में नहीं, इधर उधर की बातें करी यार कि पिछले कई साल कैसे बीते, थोड़ा दुख भी बताया, थोड़ी गुस्सा भी कर, थोड़ी नाराज़गी भी दिखाई. सो हाँ, बाकी तो अभी तो सब बता दूंगा तो लोग पिक्चर देखेंगे नहीं. ये हमारे भगवान राम आ गए जिनकी मैं बात कर रहा था, बड़े ही काइंड. ही हम लोगों ने एक बार साथ में टेड टॉक दिया था, तो इन्होंने काइंडनेस के ऊपर ही दिया था, एंड ही सच अ काइंड मैन. हेलो इंस्टा पे मैंने राखी कहा है. हाँ, इंस्टा पे राखी कहा है. और करण, अर्जुन, नकुल और नवीन है, और मैं राखी हूँ, यही मेरा रोल है. ये हमारी माँ है, मैं माँ हूँ, इनके करण अर्जुन आगे हैं. याद है पिक्चर में भी ऐसा होता है ना, पहले अर्जुन आता है, फिर अर्जुन कहता है कि करण कहाँ है,
ऐसे ही हुआ होगा, आई थिंक नकुल आधा घंटा पहले आ चुके हैं। हां बट पिक्चर में मां मर जाती है तो आई होप दैट डजंट हैपन टू मी। नहीं नहीं मां कब मरती है, राखी कभी नहीं, ये क्या है, करेक्ट करेक्ट कभी नहीं मरती है, तुम लोग मर जाते हो। हां फिर हम आ जाते हैं, आ जाते हैं वापस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तुम कंटिन्यू करो प्लीज, आप हमारे चुटकुलों से बोर हो गए होगे तो अब हम आपसे बातें कर रहे थे। आपने बताया कि तसल्ली से जो दो किरदार को आपने लिया, कितनी तसल्ली हुई आपको इनके साथ में शूटिंग करके, इनके साथ में नवीन नवीन के साथ शूटिंग करना मेरे लाइफ का एक ना सबसे महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस रहा है। इनके साथ ऐसे इतने, एक तो अकम्प्लिश्ड एक्टर हैं ये और इतने मज़ेदार इंसान हैं। अभी इनका स्ट्रेट फेस के पीछे जो डार्क जोक्स छुपे हैं वो शायद कोई नहीं जानता। सो आई थिंक दैट इज़ द हम लोग चाहे ड्रामा भी बनाना चाहे कहीं ना कहीं कॉमेडी बनी जाती है नवीन के साथ, एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ हैविंग हिम विद अस। नहीं नहीं ये तो इनका बड़प्पन है। हाँ वैसे वैसे बहुत सीरियस इंसान है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल जोक नहीं आता। एक्चुअली तसल्ली से शूट किया हमने काफ़ी और आप तसल्ली से देखेंगे भी तो मज़ा भी आया बहुत बहुत। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर अस। हम चाहते हैं कि जो ना ये फिल्म लोगों को, हम लोगों ने एक यही सोच कर बनाई है कि ना आजकल के दिनों में जितना प्लॉट मेलोड्रामा ड्रामा हर जगह रहता है, एक सिंपल स्टोरी बता सकते हैं क्या, दोस्ती के बारे में, यू नो रिलेशनशिप्स के बारे में, दो दोस्तों के बारे में, मेल फ्रेंडशिप। हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादा ऐसी स्टोरीज बनती नहीं है तो उसके बारे में एक छोटी सी कहानी है, प्यारी सी कहानी है, स्मॉल फिल्म विद अ बिग हार्ट होपफुली। तो वही क्वेश्चन, एंड आई जस्ट होप इस कहानी की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस बाहर आए और लोग अलग अलग नज़र से देखें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नमस्कार। Hi. I'm looking forward. Yeah, मैं दोस्तों के लिए आया हूँ, I'm very excited. And I'm so happy for Nikhil and the whole team. बहुत अच्छा लग रहा है, already seen some of it. तो मैं भी सीधा देख के फिर I'll be able to comment. आई थिंक दुनिया छोटी हो रही है, वी आर ऑलरेडी लर्निंग, हम लोग सीख रहे हैं, हमारे फॉर्मेट्स भी बदल रहे हैं। सो या लास्ट टाइम अभी मॉडर्न लव आया था विशाल जी एंड एवरीबडी हैज़ डन, सो इट्स अ ग्रेट टाइम, इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर सिनेमा एंड वी हैव टू सपोर्ट एवरीबडी, दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। मैं एक्टिंग का काम तसल्ली से करता हूँ, वही मेरा मुझे उसमें मज़ा आता है, इसमें थोड़ा कच्चा हूँ। थैंक्स मैन, थैंक यू थैंक यू। I think it's really good. Oh, you're so cute.
दिया मिर्जा क्योंकि उनको लग पाए चांस नहीं है ना। हेलो हाँ हाँ फरहान अख्तर दिया मिर्जा वो आउट ऑन अमेजॉन मिनी टीवी। आप अमेजॉन के शॉपिंग पोर्टल पे जाके आइकॉन क्लिक करके फ्री में इस फिल्म को देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे डाल दो फ्री 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 फ्री, फ्री। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, क्योंकि ये जो मुद्दा है, ये जो मसला है, ये बहुत ज़रूरी है हम सबको जानना और पहचानना कि कंसेंट होता क्या है। स्पेशली आई थिंक हम सब के लिए, क्योंकि मैं तो मेरे हिसाब से कोई, मैं आज तक किसी औरत से नहीं मिली हूँ जिसकी लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसी घटना घटी है, और इस वजह से ये समझना कि जो दायरे हमारे निजी ज़िंदगी में हैं, कभी कभार जो लोग उसको क्रॉस कर देते हैं, उनको समझना, उस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी है। And it's been a great pleasure to work on this story, जो एक important social issue है, और बहुत खूबसूरती से, बहुत simply लिखी गई है ये कहानी, और साक्षी ने इसे बहुत अच्छे से direct किया। श्रेया की मैं बहुत बड़ी fan हूँ, और wow, see, he's also surprised. No, he's not surprised. He's just happy that I'm acknowledging it on camera. है ना, correct ना? And मैं बहुत पहले से चाहती थी कि मैं इनके साथ काम करूं, और मुझे बहुत बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करके। मैम, आप बताइए कि किस अंदाज में हम आपको देखने जा रहे हैं, रिया जी के साथ में जब आप तो जो हमारी फिल्म बनी है वो जिस मुद्दे पे बनी है वो अक्सर हमारे घरों में इसके बारे में जिक्र नहीं करते हम, तो ये जो टॉपिक है इट्स लिटिल हैवी, इट्स लिटिल अनकम्फर्टेबल, और हम चाहे कि आप लोग देखें और आप थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करो, और इसके बारे में आपके
डिसएग्रीमेंट्स हो और आपके डिस्कशंस हो. और मैं अक्सर जब जॉब पे जाती थी, काम पे जाती थी, तो मैं, मेरा जॉब सिर्फ ये था कि इनको देखूं और बस बैठूं. तो मतलब इससे ज़्यादा बातें करूं. हाँ, और इससे ज़्यादा लाइक अच्छी बात और क्या हो सकती है. आई थिंक ये बहुत अच्छा समय है हम औरतों के लिए, क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, स्टेज एंड टाइम ऑफ आवर लाइफ, वी आर गेटिंग टू प्ले पार्ट्स दैट वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू प्ले अदरवाइज. और OTT ने हमारे लिए बहुत एक खुला मैदान बना दिया है खेलने के लिए, इन्जॉय करने के लिए. और मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ, क्योंकि मुझे काफिर जैसे शो में काम करने का मौका मिला और अब और भी ऐसे काम करने, कहानियों से जुड़ने का मौका मिल रहा है. एंड ऑफ कोर्स श्रेया आई थिंक इज़ अ डायरेक्ट प्रोडिजी, लाइक अ फैंटास्टिक आउटकम ऑफ what we are celebrating about OTT, which is powerful storytelling, good storytelling and great performances. Thank you. Yeah, thank you. Good day. Good. Anusha. Chetan, kitna zyada difficult tha ye character play karna, because isme bahut hi strong message diya gaya and you are playing the character which was also strong. Yaar, I feel like as actors हम तो ये ढूंढते हैं थोड़ा कैरेक्टर जिसमें लेयर्स हों, जो ऐसा ब्लैक एंड वाइट ना हो, जो ग्रे हो, उसमें खेलने का मौका मिलता है. और आई फील जो इस कैरेक्टर के ज़रिए आपको पता चल रहा है एज अ मैसेज, वो लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है. तो मेरे लिए तो इट वाज अ प्लेजर. आई थिंक मेरा हर प्रोजेक्ट के साथ वही रहता है कि जब स्क्रिप्ट कुछ ऐसा कहना चाह रही है जो आपको सुनने की आदत नहीं है, या जो आपको बात करने या सोचने पर मजबूर करे, मेरे लिए वो बहुत ही, आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. तो मेरे लिए तो नो ब्रेनर था, आई जस्ट हैड टू. आई मीन वी डोंट शेयर अ फ्रेम, नो, बट शी इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड इट वाज सच अ प्लेजर. I mean, like most of India, I've been a fan since I was, you know, so long back, and I think she's incredible. Just to be a part of the same project as Diya Mirza, dreams do come true. What do you enjoy more, music or acting? क्यों चुनने बोल रहे हो यार? दोनों करियर चल रहे हैं, चलने तो अच्छे. नहीं नहीं नहीं, it's tough यार. Some days किसी दिन actor बाहर आता है, किसी दिन rapper बाहर आता है. तो जिस दिन actor बाहर आता है उस दिन acting, जिस दिन rapper बाहर आता है उस दिन music. वाह वाह. Good? Thank you. Thank you.